Audience, welcome to Viewpoint from Overseas. I am once again your host, Misbah Azam. Faraz Darwish sahab apni masroofiyat ki wajah se aaj phir hamare saath hamare darmiyan maujood nahi. Dekhiye agle hafte shayad wo hame bhi time dein aur wo aaye aur apne show ki apni backdoor sambhale. Jab tak wo nahi hai tab tak aapko mujhe hi bardasht karna padega. आज हम लोग कुछ एक तरह के कई टॉपिक्स हैं हमारे पास, उस पर देखते हैं हम कितने टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकते हैं. एजेंडा तो बहुत भरा हुआ है, लेकिन स्टार्ट हम लोग करते हैं कि ज़रा सा बात करें कि जो ट्रंप साहब के जो आजकल कैंपेन में जो उन्होंने उनकी जो एक तरह के ट्रबल हो रही है उनकी कैंपेन को, स्पेशली जो वो खिज़र खान साहब के जो बेटे के ऊपर उन्होंने और खिज़र खान और उनकी वाइफ गजाला खान के ऊपर जो कमेंट्स किए, उसके बाद से जो एक तरह का वो शुरू हुआ उनके अगेंस्ट, वो काफ़ी उनको ट्रबल दे रहा है. और अब तो ये हाल हो गया है कि जो उनके जो कैंपेन मैनेजर हैं जनाब पॉल मैनाफोर्ट, वो भी काफ़ी उनके बारे में कहा जा रहा है कि इस पैरालाइजिंगली फ्रस्ट्रेटेड के कोई उनको हल नहीं नज़र आ रहा कि ट्रंप साहब की जो इस ये जो उनकी जो एक उन्होंने बयानात देने का सिलसिला जारी किया है इसको रोक पाए. तो इसके अलावा ये भी है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है जो कि कमेटी है आरएनसी, अब वो लोग भी इस चीज़ को गौर कर रहे हैं कि अगर कहीं ट्रंप नवंबर से पहले उन्होंने बैक ऑफ कर गए, उन्होंने कैंपेन को छोड़ दिया, खैर बात कह दिया, तो किस तरह से वो एक नए कैंडिडेट को लेकर आएंगे. तो चलिए इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात करेंगे. इसके अलावा हमने देखा है कि इंडिया में जो ट्रंप साहब की बड़ी जो वहाँ का जो इंडिया हिंदू राइट है उसमें ट्रंप साहब की बड़ी शानदार उनकी सपोर्ट मौजूद है और उनके लिए पूजाएं हो रही हैं और उनके लिए प्रार्थना लोग कर रहे हैं कि उनको जिताएं. और मेरी कुछ इंडियन कलीग्स हैं मेरे दोस्त यहाँ पर, और मेरी उनसे ऐसी बात हुई, यू नो, ऐसे ही किसी रेफरेंस में तो नहीं, तो उनमें से कुछ लोग तो काफ़ी इस चीज़ से परेशान थे और मतलब हंस मजाक भी बना रहे थे और कह रहे थे कि मतलब ये तो आप देख लीजिए कि किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं कि वहाँ बैठ कर आप उनकी वो कर रहे हैं सारी. और शायद उसकी वजह सिर्फ एक है कि ट्रंप साहब एंटी मुस्लिम रेटरिक को यूज़ कर रहे हैं और उसके अलावा तो कुछ समझ नहीं आती कोई ऐसी ख़ास बात उनकी सपोर्ट की. इसके अलावा सऊदी अरेबिया में कहा जाता है कि कोई 15,700 वर्कर्स जो हैं वो बेजॉब मतलब जॉबलेस हो गए हैं वहाँ पर, जो सिचुएशन जो कि कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स थे जिसमें से 7,700 का ताल्लुक इंडिया से है, 8,000 का ताल्लुक पाकिस्तान से है. और अब जो है उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा स्पेशली पाकिस्तान पे, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे. तो हमारे मेहमान जनाब अली हसन समंतूर साहब और जनाब रियाज हक साहब, रियाज भाई आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा, ज़रा ये समझाइए हमारे ऑडियंस को कि जो सऊदी अरब में 16,000 लोग जो हैं जॉबलेस हो गए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के उस पर, स्पेशली पाकिस्तान में. इंडिया में तो मुझे नहीं लगता इतना उसका इम्पैक्ट होगा. इम्पैक्ट तो दोनों जगह. अच्छा, इसलिए बड़ी तादाद में वहाँ लोग काम करते हैं, इंडिया से भी पाकिस्तान से भी. आई थिंक इंडिया के लिए सऊदी अरेबिया इज द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस, इट इज आल्सो द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस फॉर पाकिस्तान. अच्छा, तो अब ये असल में काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो डिक्लाइन होती जा रही हैं जी. यानी कोई तकरीबन 1.5 साल पहले कीमतें कोई दे वर रनिंग एट अराउंड $150-$200 अ बैरल. दैट्स ट्रू. अब वो गिर के $40 अ बैरल पे आ गई हैं, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है. नहीं, और उन्होंने सऊदी हुकूमत ने तो $93 का प्रोजेक्शन रखी हुई थी. हाँ, लेकिन असल में तो जनरल अब ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये कोई गवर्नमेंट का तो नहीं है, तो प्राइवेट कंपनीज अपना रियल स्टेट बिल्डर्स हैं, तो जाहिर है कि उनके काम पे भी असर पड़ रहा है इसके नतीजे में, क्योंकि टोटल जो अमाउंट ऑफ मनी है जो अवेलेबल है उसके लिए कम होती जा रही है. गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम कर दी है, तो उसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी पुल बैक कर रहा है. तो ये कई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं वो बेसिकली काम रुक गया है वहाँ पर. अच्छा. और उनके जो कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज को कई महीने से पे नहीं किया है. अच्छा. तो अब मामला फाकों तक आ पहुँचा है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं है
کہ یہ بیچارے کھا پی سکے, اور ان کے پاس ویزا تک نہیں ہے جو لوگ پاکستان جا سکتے. وہ جناب اپنا اس میں پڑے ہوئے ہیں, اپنے کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں جی, اور ان کو جو ہے اب بیسکلی جو ایمرجنسی ایڈ جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو اس وقت. اچھا, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یو نو ایک شخص جو وہاں جاتا ہے پاکستان سے یا انڈیا سے کام کرنے کے لیے, اس کے 15-20-25 لوگ گھر میں اس کے اوپر اس کی جو انکم ہے جو پیسے بھیجتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور جب وہاں سے پیسے نہیں آتے تو یہاں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں, غربت میں اضافہ ہوتا ہے, یو نو ہنگر میں اضافہ ہوتا ہے. اور پاکستان کے کیس سمجھتے آپ دیکھیں کہ پچھلے سال کوئی $20 بلین پاکستان میں ریمیٹنسز آئے تھے ٹوٹل باہر سے, جس میں سے تقریباً 6.5 بلین جو ہے آلموسٹ 1/3 came from Saudi Arabia. The Saudi Arabia is a huge source of remittances actually for both India and Pakistan. تو اس کا جو ہے بیلنس آف پیمنٹس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے کہ آپ کا ڈالر نہیں آ رہے ہیں, آپ کی امپورٹس تو ویسے ہی چل رہی ہیں اور ایکسپورٹس آپ کی اسٹیگنیٹ کر رہی ہیں, کم ہو گئی ہیں, تو آپ کہاں سے جو امپورٹس ہیں اس کے لیے کہاں سے پے کریں گے. تو یو نو لارجر ایشوز اور دس از جسٹ دا بگننگ. میرے خیال میں یہ معاملہ جو ہے کیونکہ یہ پرولونگ اگر یہ رہا آئل سلم سلمپ, اور یہ کہتے ہیں فورکاسٹ یہی ہے کہ آئل سلمپ ول کنٹینیو فار ا وائل, تو اس کے نتیجے میں کیا کیا اثرات ہوں گے اس کے, نہ صرف سعودی اکانومی میں بلکہ وہ تمام جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے جن جن ملکوں سے, ملکوں پر کیا اس کا اثر ہوگا. تو اٹ کڈ ٹرن انٹو ا سیریس کرائسس. دیٹس ٹرو. علی, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو؟ نہیں, جو بھی باتیں کہی گئیں ان سے اختلاف تو ممکن نہیں ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخر میں قصور جو ہے وہ ہمارا ہے, ہندوستان اور پاکستان کا جو ہے قصور ہے کہ وہاں پر کیوں اس قسم کی ناکام حکومتیں اور بد انتظامی ہے کہ جہاں پر ہم اپنے لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتے, ان کی مدد سے جو ہے اپنی معیشت بہتر نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد جو ہے کیوں اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے جس کی وجہ سے یہ لوگ باہر جائیں, اور پھر ہم ایک توفیلی جو ہے معیشت بن جائیں کہ جس میں باہر سے کچھ پیسہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ سب جو ہے کمزوری دراصل آپ کی جو ہے وہ اپنی ہے. ہمیشہ جو ہے جب آپ کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں تو وہ ایک زیادہ بہتر حکمت عملی ہوگی. اپنے آپ کو مضبوط کرنے سے مراد یہ ہے کہ توانائی میں جو ہے مکمل خود کفالت, آپ کے جو ہے کھانے پینے کے اندر مکمل خود کفالت, اور اپنے لوگوں کو جو ہے روزگار فراہم کرنا, ان کو جو ہے کھپانا اپنی معیشت کے اندر. تو یہ چیز جو ہے وہ میرا خیال میں شاید اس ساری ٹوٹ پھوٹ سے شاید اس طرف ہم کچھ سوچنے اگر لگیں کہ ہمیں کس طریقے سے طویل مدت کی حکمت عملی جو ہے وہ کرنی ہے اختیار, جس میں ہم اپنے بڑائی, اپنے جناب جو ہے تعمیراتی کام کرنے والے مزدور, اپنے لوہار, ان اپنے ویلڈر, ان لوگوں کی مدد سے ہم اپنے ہی چیزوں کو کیسے بنائیں. نہیں, اس کے لیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس کے لیے اگر اکانومی چلے گی, اگر اوپر اٹھے گی, چیزیں مینوفیکچرنگ ہوگی, وہ سب ہوگی, تو اس میں پھر وہ لوگ تو کنزیوم ہوں گے, وہ لوگ تو یوٹیلائز کیے جا سکیں گے. لیکن بہرحال ابھی کا جو مسئلہ ہے وہ تو ہے. تو ریاض صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں جو علی نے بات کی؟ اصل میں اکانومیز جو ہے نا دنیا کی, وہ اتنا زیادہ گلوبلائزیشن ہے کہ بہت زیادہ انٹر ڈیپینڈنس ہے. اب مثلا یہاں تو خیر سچویشن ہے کہ وہاں جا کے کام کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ نے اپنے ملک میں ہم نے جاب کریٹ کر دیا, لیکن آپ جو ملک میں جاب کریٹ کریں گے وہ انویسٹر ہوگا باہر کا, کوئی وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باہر کے دوسرے ملکوں کی اکانومیز کیسی چل رہی ہیں. اب مثلا فرض کیجئے کہ اگر آپ کا بزنس ہے جو ایکسپورٹ کرتا ہے یورپ کو, اور یورپ میں آج کل اکانومی سلو ہے, ڈیمانڈ ویک ہے, تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو اثر پڑے گا. دیٹس ٹرو. تو آپ کو جو لوگ آپ کے یہاں کام کر رہے ہیں ان کو لے آف کرنا پڑے گا. تو یہ انٹر ڈیپینڈنس بہت بڑی ہے. پھر انویسٹمنٹ بھی آپ کو چاہیے. یہ جو ہمارے جیسے ملک ہیں ان میں آپ کو سیونگز ریٹ جو ہے وہ تو کافی لو ہے, پاکستان میں تو صرف 15% سیونگز ریٹ ہے. تو انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو باہر سے پیسے چاہیے. اگر ان کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں تو پھر وہ انویسٹ کریں گے, اگر ان کے پاس نہیں ہے تو وہ نہیں کریں گے. تو یہ انٹر ڈیپینڈنس ایسی ہے کہ آپ بالکل مکمل طور پہ کو خود کفیل نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے یہ آج کل کی اکانومی میں. مطلب یو ہیو ٹو ڈیپینڈ ریلائی آن ادر. امریکہ میں آپ دیکھ لیں بھائی, امریکہ کتنی چائنا پر کتنی دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے, اسٹرانگ اکانومی ہے, اس کے باوجود یہاں یہ جو ٹرمپ فینومینن ہے, ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں بہت سے جاب لوگوں کے چلے گئے, مسائل ہیں یہاں پر, اس کی وجہ سے
इस तरह के लोग जो है इनको सपोर्ट मिल रही है यहाँ। चलें तो ट्रंप का नाम लिया आपने, तो चलिए आप ही से शुरू करते हैं। ट्रंप साहब के अब ये क्या होगा, क्या ये जो रिपब्लिकन जो आज ही वो एक न्यूज थी कि अब जो आरएनसी है वो ये ऑप्शंस देख रही है कि ये जो है अगर कहीं निकल आए प्रेसिडेंशियल रेस से तो कैसे वो रिप्लेसमेंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि इतनी टर्मोइल में है इनकी जो, अब आप देख लीजिए विस्कॉन्सिन के जो गवर्नर हैं रिपब्लिकन, उन्होंने इनकी रैलीज में जाने से इनकार कर दिया। फिर इनके अपने जो वो हैं पॉल मैनेफोर्ट, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं। तो मतलब और जो ह्यूलेट पैकार्ड के जो सीईओ विटमैन, उन्होंने भी मैग विटमैन, उन्होंने भी हिलरी को एंडोर्स कर दिया, हालांकि वो तो रिपब्लिकन है, बहुत मतलब बहुत नॉन रिपब्लिकन है। तो बताइए क्या होगा रिया साहब? मेरे ख्याल में ये स्पेकुलेशन है कि विड्रॉ नहीं करेंगे। अच्छा। इसलिए कि ये ऐसे आदमी नहीं है, ये जो है ना अपनी अलग पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं। अच्छा। ये तो अब भी कह रहे हैं कि सब ठीक है तो इनकी अपनी रियलिटी इन्होंने बनाई हुई है। दूसरे कि इनको सक्सेस भी हुई है उसमें, पार्टी को तो उन्होंने शुरू से बहुत बुरी तरह ट्रीट किया और पार्टी ने इनको ट्रीट किया बुरी तरह। यू नो जो इनकी पार्टी के बड़े बड़े सब लोग खड़े हुए थे, सेनेटर्स गवर्नर्स, उनको इन्होंने बहुत बुरी तरह डिफीट कर दिया। सही बात है। तो अब ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जनाब विड्रॉ कर लेंगे? तो होगा ये कि इनकी जो सपोर्ट है वो तो रहेगी, चाहे ये कोई हिमाकतें करते रहे जो यू नो बेसिकली नॉन कॉलेज एजुकेटेड वाइट वर्किंग क्लास वोटर्स हैं, वो तो उनको वो क्योंकि ये लोग ये ऐसी बातें करते हैं, यू नो रेसिस्ट 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 हैं ये, इस्लामोफोब हैं, तो वो चीजें उनको अपील करती हैं। तो वो जनाब उनके साथ रहेंगे और ये समझेंगे जब भी ये रैली में कहीं जाते हैं, अरे भाई यहाँ तो बहुत लोग हैं। हाँ। और वाकई इनकी रैली बड़ी पैक्ड होती है, जहाँ भी जाते हैं वो भरी भी होती है और जनाब लोग बाहर इंतजार कर रहे होते हैं मिलकर, तो इनको ये मैसेज मिलता है कि यार थिंग्स आर गोइंग वेल। तो मुझे लगता है कि ये रहेंगे आखिर तक और ये न सिर्फ खुद डूबेंगे आखिर में बल्कि पूरी पार्टी को, तमाम अप एंड डाउन द टिकट जो इनके बाकी लोग हैं उनको भी लेके डूबेंगे ये। अली क्या आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो हम पिछले कोई जब से हम लोग आए हैं यहाँ पर 20-25 साल से जो हम लोग देख रहे हैं ये इंतखाबात, उसमें हम ये देखते हैं कि एक दफ़ा जब हो जाए नॉमिनेशन तो उसके बाद जो है पूरी पार्टी आपके पीछे होती है और ज़ोरदार तरीके से आपके साथ चलती है। ये जो है अब की दफ़ा एक अजीब बात है कि रिपब्लिकन पार्टी में हम देख रहे हैं कि एक टूट फूट जो है मची हुई है, खुद अंदर ऐसे लोग हैं जो कि जो है ना इंडोर्स करना तो और बात है, बाकायदा नाराजगी है ट्रंप से उनकी ये। तो ऐसे में आप कैसे आपका कैसे आपका जो उम्मीदवार है वो कैसे जीत सकता है जबकि अंदर अंदर ही जो है इख्तलाफात हों इस कदर ज्यादा? दैट्स ट्रू। तो ये जो है कुछ अजीब सी बात जो है नजर आती है। अब ये है ना ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो दस्तरदार हो जाएंगे इससे किसी तरीके से, वो इस जनाब अपनी जो जो उम्मीदवार बने हैं वो उससे वो मुस्तैफी हो जाएंगे, इस बात का तो इम्कान नहीं है। जैसे रियाजत साहब ने कहा कि उनके उनका अपने बारे में तो ख्याल बहुत अच्छा है, उनका ख्याल है कि सब चीजें बेहतरीन जा रही हैं, जबकि दूसरे लोग बता रहे हैं कि साहब आपकी इंतखाबी मुहिम जो है वो मसाइल का शिकार है। वो कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन जा रही है और जबरदस्त जो है ना ये हम सही कामयाबी हासिल करेंगे वगैरह वगैरह। तो वो एक अलग ही जो है उनकी एक सोच है जिसमें कि बाहर से कोई आदमी है उसको तो सब एक मजाक सा लग रहा है कि यार क्या हो रहा है, एक मुंहफट आदमी है जिसको जो चाहे कह देता है, जो है लड़ रहा है अपने ही पार्टी के लोगों से, तो ये क्या हो रहा है? लेकिन उस आदमी के हिसाब से बिल्कुल सही है ये, वो जो बात कह रहा है उसमें जान है, उसमें अकल है और बहुत सारे लोग जो है उसके साथ हैं। तो इस तरीके से जो है वो मामला चल रहा है ये। अब क्या होगा, इस बात का क्या इम्कान है कि क्या जो है ट्रंप जीत जाए? फिलहाल तो बहुत कम इम्कान है, लेकिन कोई अजीब सूरत हाल अगर हो जाए, पता नहीं क्या हो, पे दर पे जो है वो टेररिस्ट अटैक हो, कुछ जो है उनसे गलतियां ऐसी हो जाए जो है हिलरी से हो जाए जिसकी वजह से, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक तो ये नजर आ रहा है कि ना सिर्फ ये हारेंगे बल्कि एक तारीखी तौर पे इबरतनाक शिकस्त होगी। हाँ, क्योंकि एरिजोना के जो सेनेटर हैं उन्होंने तो जो अपना स्टेटमेंट दिया है जनाब जॉन मैकेन साहब ने, उसमें एंड में उन्होंने यही बात कही है कि मिस्टर ट्रंप एरिजोना इज वॉचिंग यू। नहीं, लेकिन उनको भी बड़ी फिक्र है, वो बड़ी टफ रेस में हैं इस वक्त, क्योंकि उनका भी तो उनका अच्छा जो उनको, और उनको एंडोर्स भी नहीं किया है, उन्होंने एंडोर्स तो, और वहां ट्रंप बड़ा पॉपुलर है
उनकी जो स्टेट है उसमें भी दैट्स ट्रू कि उसकी तो आई थिंक मकेन को खुद फिक्र है क्योंकि आपको पता है कहता है किस तरह की स्टेट है. हां नहीं दैट्स ट्रू कि आई वाज देयर कि वो लोग तो बड़े कंसर्वेटिव हैं लेकिन ये है कि मकेन की इज्जत काफी है वहां पे कि मतलब इज्जत तो है लेकिन असल में हो ये रहा है आजकल कि ये जो इन्होंने जो बहुत ही बेसिस फीलिंग यू है ना बहुत ही रेसिज्म इस्लामोफोबिया ज़ीनोफोबिया इसको इतना ज्यादा इन्होंने वेट कर दिया है बढ़ा दिया है इसको कि उसकी वजह से तमाम लोग इनसे घबराए हुए हैं क्योंकि जाहिर है अगर रिपब्लिकन आपको जीतने के लिए ऐसे लोगों का वोट चाहिए तो उनको बड़ी फिक्र है इसीलिए वो यानी इनको इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन अनइंडोर्स नहीं कर रहे इनको. That's true. के जैसे पॉल राइन भी हालांकि पॉल राइन को इन्होंने एंडोर्स नहीं किया है ट्रंप ने ट्यूसडे को पॉल राइन भी तो अभी उसमें है ना अपने बिड में है ना प्राइमरी अपील हो रही है एग्जैक्टली उनके खिलाफ जो उनका जो ओपोनेंट है बल्कि उसकी तारीफें कर रहे हैं ये. हाँ नहीं दैट्स करेक्ट के तो उसके ऊपर भी काफी पार्टी के अंदर काफी क्रैक्स हैं. तो ये जो सब हो रहा है जरा ये बताइए रियाज साहब आपके जो ये जो एफ बी आई की जो इशू चल रहा है ये जो इनकी हिलरी क्लिंटन की जो ईमेल्स का जो मसला है इस पर ये क्योंकि अब कहा ये जा रहा है कि उन्होंने कई दफ़ा स्टेटमेंट दिया जिसमें हिलरी ने ये कहा कि नहीं कोई ईमेल जो थी क्लासिफाइड नहीं थी लेकिन एफबीआई तो अब कह रही है कि थी क्लासिफाइड भी थी. ये कहाँ जाएगा ये चीज़ कहाँ जाएगी उसमें मतलब जो है ना आर्ग्यूमेंट ये है कि ये क्लासिफिकेशन जो है ना जाहिर है जिस वक्त आप क्रिएट कर रहे हैं ईमेल उस वक्त तो नहीं होता है ये क्लासिफिकेशन बाद में होता है. अच्छा तो अब ये कहना कि ये ना वो क्लासिफाइड थी तो आई थिंक हिलरी इज राइट कि भाई जब ये मैंने ईमेल जनरेट किया इट वाज नॉट क्लासिफाइड उसको बाद में इन्होंने. अच्छा तो मसला ये है कि ये आर्गुमेंट हो सकता है उसमें कि भाई एफबीआई तो ये कह रही है क्लासिफाइड थी बेस्ड ऑन द फैक्ट इट बिकेम क्लासिफाइड आफ्टर. अब मैं जब ईमेल क्रिएट करता हूं तो उस वक्त तो कोई क्लासिफाई नहीं करेगा उसको वो जब बाद में अगर मैं फर्ज कीजिए गवर्नमेंट में काम करता हूँ ईमेल क्रिएट करूँ तो वो बाद में कोई डिसाइड करता है कि अलग लोग होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि भाई क्लासिफाइड है या नहीं है क्या लगता है. इंफॉर्मेशन तो ऐसी नहीं कि भाई कोई ऐसी इंफॉर्मेशन वो इसमें इंफॉर्मेशन हो भी या नहीं हो. अच्छा क्लासिफिकेशन इज अ वेरी टेक्निकल इशू. अच्छा ये नहीं कि आप हर चीज को समझे कि भाई क्योंकि आप रशिया की बात कर लिहाजा क्लासिफाइड है या फला की बात करें तो इट डजंट हैपन. लेकिन मसला फिर भी यही है कि अब ये जो ट्रंप साहब रोजाना एक नया शोशा छोड़ देते हैं नया गुल खिला देते हैं कोई तो उसमें जाहिर है कि कोई तवज्जो पूरी प्रेस की उसी पर लगी हुई है उनको ज्यादा इसमें मजा आता है कवर करने बजाय इसके कि वो जनाब हिलरी क्लिंटन की ईमेल्स को चेज करें. तो ये तो अपने खुद सबसे बड़े दुश्मन है. दैट्स ट्रू उसके ऊपर जो इश्यूज हैं इनके अपोनेंट्स के उसके ऊपर वो मीडिया का फोकस करने नहीं देते खुद एक इशू क्रिएट कर देते हैं जो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है मीडिया को जैसा खज़र खान साहब के इशू है बिला वजह में उसको अब जनाब अगर भाई कह देते यार पहले जब ये हुआ था कि आई एम रियली सॉरी यू नो आई हैव माय सिंपैथी विद द फैमिली आई नो दे मेड अ ग्रेट सैक्रिफाइस एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ इट. हां नहीं लेकिन लेकिन बजाय इसके कि उन्होंने उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया न सिर्फ ये उनको बल्कि उनकी वाइफ को जो मदर है ग्रीविंग मदर है उसको तो ये खुद बड़ी हिमाकतें कर रहे हैं ये और इनको ये एहसास भी नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं. इनके बच्चे जो है कुछ बेहतर है फिर बल्कि मैं सुन ये रहा हूँ रिपब्लिकन पार्टी के जो एल्डर्स हैं उनकी ये कोशिश ये है कि इनके बच्चों को एनलिस्ट किया जाए इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए. अच्छा क्योंकि सुना ये है कि उनकी फिर भी सुन लेते हैं ये अपने बच्चों वैसे रूडी के बच्चे जो है ना वो ज्यादा समझदार हैं. से रूडी जूलियानी और गिंग्रिच जो हैं वो उन्होंने तो कहा है कि वो इनसे बात करेंगे और इनको जरा सा. हाँ लेकिन मसला ये है ना कि किसकी सुनेंगे क्या उनकी सुनेंगे. ये आपने मैंने सुना ये कि इनकी कैंपेन असल में ये चला रहा है वो इनका दामाद चला रहा है. अच्छा जो इवांका का हस्बैंड है. अच्छा अच्छा और ये इवांका भी बहुत सुनते हैं. नहीं दैट्स ट्रू. तो अली आप क्या देख रहे हैं कि हिलरी को क्या इसका इम्पैक्ट होगा इस सारी चीजों का इसके प्रेसिडेंशियल उस पर कुछ पड़ सकता है आपके व्यू में. नहीं जो है ना ज्यादा से ज्यादा आपके ख्याल में इसमें क्या हो जाएगा
नहीं कि चीजें जैसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मतलब इशू ये आ जाता है ना कि हालांकि रियाज भाई ने उसको क्लैरिफाई तो किया है लेकिन इशू ये आ जाता है एक लेमैन के लिए कि भाई पहले आपने कहा कि ये तो नहीं था अब क्लासिफाइड अब एफबीआई कह रही है क्लासिफाइड थी सो यू लाइक टू द पीपल नहीं जो है मेरा नहीं कि भाई फॉक्स न्यूज वगैरह तो इसको इसी तरह प्रेजेंट करना है लेकिन मीडिया भी जिस तरह प्रेजेंट कर रही है सीएनएन भी यही कह रहा है लेकिन वो ये नहीं बता रहा लोगों को क्लासिफिकेशन कब हुआ उसका नो दैट्स ट्रू तो मतलब जो इससे उनको कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि खुद ट्रंप जो है वो इतने बड़े बड़े हथौड़े अपने पांव पे मार रहे हैं कि उसके सामने जो है इस खबर की कोई खास अहमियत नहीं है और जो है इसमें माफी भी मांगी जा सकती है कि हाँ भाई थोड़ी सी जो है वो कोई ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने जो है वो जाके अपनी ईमेल जो है किसी को और ऐसे जो है हवाले कर दी किसी को ज्यादातर यही है ना कि भाई आपने अपने प्राइवेट जो है वो चीजों के ऊपर क्यों आप जो है ये जॉब की ईमेल आप क्यों जो है क्लासिफाइड जो है वो आपकी थी ना उससे ज्यादा डेंजरस बात ये कि रक्षा से कह रहे हैं हैक करो नहीं दैट्स ट्रू दैट इज अ मच बिगर इशू कि ये प्रेसिडेंट ने आपके मेरे सिटीजन की ईमेल हैक कर लो तो मार के सही बात है नहीं तो मगर इसका इम्पैक्ट सपोज हिलरी अभी जीत जाती हैं लेकिन ये बाद में जब शी विल बी डिपेंड्स के कांग्रेस की किसके पास रहती है अगर ये कांग्रेस रिपब्लिक इसके पास रही तो ये इन्वेस्टिगेशंस करते रहेंगे उसमें हाँ सही बात एक कमेटी बना देंगे एक और हियरिंग कर देंगे कोशिश करेंगे पूरी के उसके ऊपर अटेंशन रखें लेकिन ये अगर फर्स्ट कीजिए इनकी मेजोरिटी नहीं आती कांग्रेस में तो कंट्रोल करते हैं ये डेमोक्रेट्स तो फिर तो ये दिस इज अ डेड इशू सब डेड हो जाएगा नहीं मगर उसके अंदर भी जो है नियत भी तो आए कि कुछ कहीं पर अगर ये आ जाए कि बदनीयती आ जाए इसकी हिलरी नहीं दैट्स ट्रू ऐसा बिल्कुल भी नहीं ज्यादा ज्यादा ये भाई गलती हो गई हां नहीं दैट्स ट्रू के थोड़ी नेगलिजेंस थी कि भाई ये है मामला ये तो नहीं है कि साहब आपने जो है कुछ बदनीयती है या आपके जबरदस्ती आपने किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी नहीं दैट्स ट्रू के और आई एम श्योर कि यही बात है भाई ये भी यही बात है कि लेकिन जब कुछ सियासी इशू हो जाए ना तो इट डजंट हैव टू बी you know just there has been no justification word you can play politics that's true give it to yaar wo shuru ho jata hai yaar ek kara di kisi aur ko bula liya spin dena shuru kar di fishing expedition shuru kar di ab jab aap fishing karne nikle to ho sakta hai kuch aur cheez aapke haath lag jaye us pe aap uske par aapne spin dena jo email ka jo chakkar chala hai kis tarah chala hai shuru mein to bengali ke upar lage hue the that's true wahan kuch mila nahi lekin phir ye ki haath lag gayi unhone kaha ke bhai isko lene to ye bataiye ali ke indian jo राइट है उसका क्या इतना सडनली इंटरेस्ट हो गया है कि वो ट्रंप साहब को मिठाई खिला रहा है उनकी तस्वीरों को इन्हें मेरे कुछ इंडियन दोस्त हैं वो भी इस चीज़ को एम्बेरसमेंट की तरह ले रहे हैं कि यार ये क्या बेवकूफ़ी की बात है अरे मेरे ख्याल है कि इतना मामला है नहीं ये कि वहाँ पर इंतहा पसंद इतना जो है वो ट्रंप को नहीं सराह रहे हैं और नहीं चढ़ा रहे हैं जितना के पाकिस्तान में और पाकिस्तानी नहीं, 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 आबादी में ये शोर है नहीं ये बात सही नहीं है मैं नहीं एग्री करता आपसे क्योंकि जो इंडियन जो लोग हैं ना यानी वो लोग जो हैं काफी इस चीज को बता रहे हैं इंडियन मीडिया से मैं आशा कर रहा हूँ कि यकीनन कुछ लोग हैं और कुछ लोग हमेशा होते हैं कुछ लोग तो वो भी थे जिन्होंने जो है 9/11 के टावर गिरने के ऊपर जो है नाचे थे क्या वो सारे मुसलमान थे इसी तरीके से मैं आपके सामने इस्तदलाल भी पेश कर रहा हूँ कि ये लोग जो कि इंतहा पसंद है जिनका के वाहिद उनकी दिलचस्पी जो है वो ये है मुसलमानों से मुसलमानों के खिलाफ कोई बात कर रहा है तो हमारा वो आदमी है, हमारा आदमी है तो वो जो है वो बहुत कम लोग हैं अब ये जो है आप यहाँ बैठ के ये इस बात को बहुत चढ़ाएं कि नहीं साहब ये तो पूरा हिंदुस्तानी ऐसे इसमें इस लहर के अंदर जो है बाहर जा रहा है इसको जो है इसको मौजू बनाना ही जो है सबसे मतलब एक अजीब सी बात है इतनी छोटी सी जो है खबर है नहीं लेकिन इतनी छोटी खबर है नहीं है और इसकी वजह ये है कि अगर इतनी छोटी होती तो इंडियन मीडिया इसको कोई खास वो नहीं दे रहा होता जो भी देखें यहाँ पर भी जो है वो बेचारे के वालों की क्या हैसियत है कितने कम और कितने जो है वो बेअसर किस्म के लोग हैं उसके बावजूद जो है उनकी तरफ से कुछ यहाँ पर पावर में नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ा इंडिया में बीजेपी पावर में है लेकिन क्या जो है बीजेपी ने कह दिया कि ट्रंप जो है हमारा आदमी है कि उन्होंने एंडोर्स कर दिया वो तो नहीं कह सकती गवर्नमेंट है लेकिन आप कैसे लगा मैं उनके बेस की बात कर रहा हूँ जो उनका बेस है वो कह रहा है ना ये मतलब जो है अगर ये वादे हो जाए कि साहब ये हमारा जो है वो बेस है और ये बेस कह रहा है लेकिन हम नहीं कह रहे ऐसा भी कुछ भी नहीं कुछ लोग कह रहे हैं
अब आप उनको बना दीजिए कि साहब ये तो अरे भाई उन्होंने जितवाया है आरएसएस जो है हाँ, वो मतलब उनका बहुत बड़ा मेन बेस सपोर्ट है मतलब हाँ, कि मतलब तो हाँ, नहीं, लेकिन मतलब, मैं अगर ये बात वाजे हो जाए हाँ, कि साहब जिन लोगों ने जो है वो जिताया अब वही लोग जो है वो ट्रंप के लिए हिमायत में ये जो कुछ भी वो कर रहे हैं ऐसा नहीं है जो एक बड़ा ग्रुप है उनका है जो कि मैं अब आपको बताता हूँ ये डॉन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग डॉन में आज ये छपा है और ये इंडिया से इनके जो कॉरेस्पॉन्डेंट है उनका नाम है जावेद नकवी साहब अच्छा जावेद नकवी वो आते हैं वो इंडियन मुस्लिम इंडियन लेकिन वो कॉरेस्पॉन्ड वो उसके लिए रिपोर्ट करते हैं डॉन के लिए तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग एक पीस लिखा है जिसका टाइटल है फ्रॉम मोदी फ्रॉम गोलवालकर टू ट्रंप अच्छा गोलवालकर जो है वो इनके बहुत बड़े लीडर हैं आरएसएस के उन्होंने किताब भी लिखी है जिसका नाम है वी अच्छा। तो उन्होंने बाकायदा कुछ रेफरेंसेस दिए हैं वी के अच्छा। और ट्रंप के जो अल्फाज हैं उससे कंपेयर किया अच्छा। ये शो करने के लिए कि आइडियोलॉजिकली इनमें बहुत ज्यादा हम आहंगी है तो एक मसलन जो चीज उन्होंने लिखी है कि ये जो ट्रंप का मसलन एक स्टेटमेंट इन्होंने कोट किया है मुसलमानों के बारे में ट्रंप ने कहा कि दे आर कमिंग टू दिस कंट्री इफ आई एम प्रेसिडेंट दे आर नॉट कमिंग टू दिस कंट्री इफ आई एम प्रेसिडेंट And if Obama has brought some to this country, they're leaving. And they're going to. And they're gone. ये इसका ट्रंप का स्टेटमेंट है मुसलमानों के बारे में अच्छा अब उन्होंने जनाब कहा कि ये एक और उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ा ये जो जो कोट किया ये गुरु गोलवालकर की किताब है वी और आवर नेशन डिफाइंड नेशन ऑफ डिफाइंड उसमें लिखते हैं ये कि द नॉन हिंदू पीपल ऑफ हिंदुस्तान मस्ट आइदर अडॉप्ट हिंदू कल्चर And language must learn and respect and hold in reverence the Hindu religion, must entertain no idea but of those of glorification of the Hindu race and culture. In a word, they must cease to be foreigners or may stay in this country wholly subordinated to the Hindu nation, claiming nothing, deserving no privileges, far less any preferential treatment, not even citizens' rights. तो इस बुनियाद पे इनका ये कहना है उन्होंने और भी बहुत सारे कोट किए हैं कि जो 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 बेसिकली ट्रंप और हिंदू राइट है जो बेसिकली आरएसएस की बात है हिंदू नेशनलिस्ट कि दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर दैट इज एडॉल्फ हिटलर क्योंकि एडॉल्फ हिटलर की बड़ी तारीफें भी करते थे अच्छा इनकी किताब में लिखा है इन्होंने कि जो एडॉल्फ हिटलर ने जो काम किया है वो तो बड़ा काबिल सताइश है दैट्स ट्रू ये जो गोलवालकर हां इनका मैंने ये किसी और ने भी कोट किया है इनको किसी जगह हां नहीं वो है इसका इन्होंने भी कोट किया है इन्होंने लिखा है अपनी किताब में वी में टू कीप अप द प्योरिटी ऑफ द रेस एंड इट्स कल्चर जर्मनी शॉक्ड द वर्ल्ड बाय हर पर्जिंग द कंट्री ऑफ द सेमिटिक रेसेस द ज्यूज गोलवालकर रोड विद अप्रूवल रेस प्राइड एट इट्स हाईएस्ट हैज बीन मैनिफेस्टेड हियर Germany has also shown how well nigh impossible it is for races and cultures having differences going to the root to be assimilated into one united whole. A good lesson for us in Hindustan to learn and profit by. Ever since that evil day when Muslims first landed in Hindustan, right up to the present moment, the Hindu nation has been gallantly fighting on to take on these despoilers. The race spirit has been awakening. Yeah. तो ये इनके इनके ख्याल दैट्स ट्रू दैट्स और ये मोदी साहब जो हैं ये इनके गुरु हैं बेसिकली इनके गुरु थे ये हाँ लेकिन अब ये तो जाहिर है वो तो गवर्नमेंट में तो कहेंगे तो नहीं ओपनली आकर इस पर लेकिन जो असल जो सोर्स ऑफ देयर आइडियोलॉजी इज दिस दैट्स ट्रू तो ख़वातीन हज़रात आपने हमारा शो देखा हमने दो तीन टॉपिक्स उठाए आज बात करने के लिए ट्रंप साहब का आने वाले दिनों में हम सबको पता चलेगा कि क्या होता है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अमेरिका में एक सेनेटर होते थे जो मैकार्थी उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेटरिक था कि कम्युनिस्ट विच हंट की तरह से हर एक कम्युनिस्ट बताकर वो विच हंट शुरू करवाने के उसमें होते थे हेयरिंग्स करते थे हेयरिंग्स करते थे हाँ और उनको काफी और आखिर में एक शख्स मिल गया वो वॉल्च ने जो वॉल्च अच्छा जो वॉल्च अच्छा जो वॉल्च जो आर्मी सेक्रेटरी था उसको उन्होंने इल्जाम लगाया कि तुम कम्युनिस्ट एजेंट हो उसको नहीं उसके एक नॉमिनी को फ्रेड मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा उन्होंने इतना बड़ा मशहूर ये क्वेश्चन है
Have you no decency, have you sir? No any decency, so basically, sir. Khizr, that's true. Khan ne jo sawal ke, essentially, have you no decency? Decency. Sir? So this could be his moment. And or interestingly, Khawatin Hazrat ke jo Joe Welch the, he was also a Harvard lawyer. और मिस्टर खान जो हैं वो भी हार्वर्ड लॉयर हैं उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कि सीएनएन ने जिसे डिस्क्लोज की है कि जो रॉय कोहन जो उनके एलाई थे वो ट्रंप के लॉयर थे और एक तरह के उनके मेंटोर भी थे तो ये सिलसिला तो एक तरह से उनसे होता हुआ आ रहा है तो देखिए अगले हफ्ते हम लोग कुछ और चीज़ों के साथ आपकी खिदमत में फिर से आएंगे तो देखते रहिए व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज़